हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च की बहुत ही कुछ टॉपिक्स पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कैंडिडेट्स की, हमारे दोस्तों की। गाइस, दोस्त ये जानना चाह रहे हैं कि आईपीआर का सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे होने वाला है, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी भी डाउट है, तो मैं आपको चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। और दूसरी चीज़, कई कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर, लास्ट टाइम जो हुआ था आईपीआर का एग्ज़ाम, उसमें रिटन टेस्ट के अगले ही दिन आपका जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल हो गया, तो इस बार क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहली बार एक ही जगह एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार चार पांच शहरों में, अहमदाबाद और कोलकाता और इसके अलावा आपका दिल्ली, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, तो हर जगह एग्जाम होगा, तो अगले दिन इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा दोस्तों, वो गांधीनगर गुजरात में होगा, वो उसके लिए एक अलग से डेट आएगी, आपके पास टाइम मिलेगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट वैज्ञानिक सहायक बी की रिक्रूटमेंट आई थी, सिविल वालों के लिए, कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की आप सभी लोगों के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की इन्होंने बात बोली है कि अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में एक स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा संबंधित विषय में वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू टाइप के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा विल बी श्योरली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से आपका जो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर मेंशन किया गया, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट और डब्ल्यू डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, अगर हम नोटिफिकेशन की बात कर लें, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, वो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में होगा। कहने का मतलब, अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल से तो सिर्फ मैकेनिकल क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट टाइम जो आईपीआर का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी यही हुआ था कि सिलेबस आपका पूरा टेक्निकल ही था। तो अगर हम नोटिफिकेशन के हिसाब से चले, हमें नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें बताया, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा हैंगआउट नहीं रिलीज किया हुआ है एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके। लास्ट टाइम भी टेक्निकल आया होता, हालांकि उस टेक्निकल पार्ट में मैथ्स के भी क्वेश्चन थे, मैथ्स के इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चन थे, तो मैथ्स वगैरह भी इन्होंने मतलब बेसिकली डिप्लोमा का सब्जेक्ट ऐड किया था, क्योंकि डिप्लोमा में एक मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, ठीक है, तो इन्होंने मैथ्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। तो गाइस देखिए, यही एक अपडेट थी आप सभी लोग को देनी थी, बहुत सारे लोग परेशान थे कि सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस के बारे में कुछ उन्हें बताया नहीं है, जो अप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊँ लास्ट टाइम के हिसाब से, तो दो घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का आपको आने वाला है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कोई भी और इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी हो, जो लोग नज़दीकी काम करते हैं आईपीआर में, अगर उनके किसी दोस्त के पास जानकारी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिए, ताकि कैंडिडेट्स को तक वो जानकारी पहुंच गई। बाकी जितनी जानकारी मुझे थी दोस्तों लास्ट ईयर के लिए और अभी इस नोटिफिकेशन के थ्रू, मैंने आप सभी लोगों के साथ साझा कर दिए। इसी हिसाब से आप तैयारी करिए, क्योंकि देखिए हमारे पास जो लास्ट सोर्स है वो यही है कि टेक्निकल से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है आपको। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।